देखेंगे जो वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं उसमें चैप्टर एक साथ नहीं है, उसमें चैप्टर ब्रेक्स में है, लेकिन इस वीडियो में जो आप आगे आप वीडियोस देखेंगे उनमें आप पूरे चैप्टर को एक साथ ही पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े। तो पहले मैं जो है चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो में, कुछ दिन के बाद मतलब जल्द ही आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर सारे आप एक साथ देख पाएंगे और अपनी पढ़ाई ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज के फर्स्ट चैप्टर से, मतलब साइंस के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। नवीनतम मीन्स होता है जो नई उपलब्धियां हैं, नई होने वाली उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हम विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा मीन्स जो 7th क्लास में है, हम इसे शॉर्ट में पढ़ चुके हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीकी और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो जैसा कि पहले भी है कि विज्ञान शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार और विकास हुए हैं, तो उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो हम आज करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है संचार के क्षेत्र में। संचार क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि संचार क्या है। संचार मतलब अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। अब उसके क्या माध्यम है? पहले जो माध्यम थे वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहले जो माध्यम थे वो थे पत्रों के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा या प्रशिक्षित कबूतरों के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन अब क्या है? अब है टेलीफोन है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसको हम ईमेल भी कहते हैं, जिसमें ईमेल के द्वारा विद इन अ सेकेंड हम अपनी बात को, अपने जो मैसेज को दूसरे के फोन में अगर उसने इंटरनेट चलाया हुआ है तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। और इंटरनेट का प्रयोग जन संचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में यूज किया जा रहा है। मतलब इसमें दो चीज आई है जो आपने, टेलीफोन आपने सुना है, टेलीविजन सुना है, कंप्यूटर भी आपने मोस्टली सुना ही है। पहले एक वर्ड आया है ईमेल। ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मैं बता भी चुकी हूँ इसके बारे में। और दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट बच्चों आजकल अधिकतर सभी अपने फोन में यूज करते हैं, तो इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल या वर्ड करके या फिर किसी और माध्यम से अपनी बात को दूसरे स्थान पर इजिली पहुंचा सकते हैं। इसके बाद संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हो गई है आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, और वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों के द्वारा एक अद्भुत देन है। 3G एंड 4G नेट सेवा आपने देखा होगा, इंटरनेट किसी के फोन में 3G चलता है, किसी के फोन में 4G चलता है। तो ये जो 3G और 4G नेट सेवा है, इसके द्वारा भी हम अपनी बातों को आदान प्रदान संचार कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम ICT कहते हैं, के क्षेत्र में। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, कम्युनिकेशन मीन्स संचार एंड टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी, इसको हम ICT कह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT की योजना आरम्भ की गई है, जो कि दिसंबर 2004 में स्टार्ट किया गया है। अब ये देखिए ICT किस चीज के लिए है? शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। इसमें क्या होता है? छात्रों को ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब जो छात्रों को पता होना चाहिए कि किसमें कैसे हम ICT का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बच्चों का डिजिटल डिवाइस में इंटरेस्ट आता है और भौगोलिक अवरोधों को पार कर किया जा सकता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों और ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल्स जहां पर जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, और ई किताबें मतलब जो हम नेट पर किताबों को ढूंढ सकते हैं वो होती हैं ई किताबें। थर्ड टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही रेज होता है, अंतरिक्ष क्या है? बच्चों आपने अपना पृथ्वी देखी है, आसमान तक का एरिया देखा है कि मतलब ये आसमान है ऊपर, लेकिन जो पृथ्वी से परे है मतलब ब्रह्मांड, मतलब जिसमें सारे ग्रह होते हैं, सारे उपग्रह होते हैं, सब चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष की हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो पहले नहीं हमें मालूम था, उसका मालूम कब पड़ा? जब इसकी खोज की गई। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भारत में ये अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई
तो जनक कौन है इसके? जनक मतलब इसके पिता जिसको कहा जाता है, जिन्होंने ये स्टार्ट कराया था, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1962 में, कौन से में, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, मतलब इसको बोलते हैं इनको स्पार का, एवं नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इसरो और इनको स्पार, ये दो जो संस्थाएं हैं, ये विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी। इसके बाद एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण। अब रॉकेट क्या होता है? ये रॉकेट होता है जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, और जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह हैं उसका उनका नाम है इनसेट और आईआरएस। तो इनसेट उपग्रह का प्रयोग करते हैं दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, और आईआरएस का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए। इसके बाद आता है बच्चों, आपने चंद्रयान का नाम सुना होगा, तो इसी के क्रम में बता रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मंगलयान जो कि मंगल पर गया है, और चंद्रयान जो कि चंद्रमा पर गया है, का सफल परीक्षण में कर लिया है, मंगलयान का और चंद्रयान वन का। थोड़ी सी अदर जानकारी है इसमें जो कि बहुत यूजफुल है और जीके से रिलेटेड है, कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की कल्पना चावला, और भारत का प्रथम चालक रहित विमान ये है लक्ष्य। ये चार चीजें हैं बच्चों जो आपको लर्न करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक है इसका रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा एवं प्रतिरक्षा मतलब कि दूसरी तरह अपने को हम कैसे, अपने देश को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या हमारा संगठन वो है, रक्षा प्रणाली है, क्या नीतियां हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं डीआरडीओ, डीआरडीओ का गठन किया गया था। डीआरडीओ रिलेटेड है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र से डीआरडीओ का गठन किया गया है। सतह से मारने वाली जो पृथ्वी मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करती है। इसके बाद एक अर्जुन है। अर्जुन क्या है? अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक, ये है युद्धक टैंक जिसको अर्जुन का नाम दिया गया है, और जो सतह से सतह पर मारती है उसको पृथ्वी का नाम दिया गया है। विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, बैकून बैरेज प्रणाली आदि डीआरडीओ की मुख्य नवीनतम उपलब्धियां हैं। देखिए ये फोटो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित रहे और राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के। तो इनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वो क्यों जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से, ये हम पढ़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था, मतलब उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी द्वितीय परमाणु परीक्षण में पोखरण में सन 1998 में। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान या प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान ग्लो रोड के साथ, बस आपके हाथ में होना चाहिए जाता है। तो भारतीय मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले इतने विकास नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं पहले, लेकिन अभी जो मीडियम फेज चली है उसमें हम स्कैनर का प्रयोग करते थे, एक्सरे का प्रयोग करते थे, एंडोस्कोपी का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में इतनी बीमारियां होने लगी हैं, इतनी घातक बीमारियां होने लगी हैं कि इन सब का प्रयोग भी व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ मीन्स बेकार जा रहा है। तो अभी क्या हुआ है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकियों का प्रयोग हुआ है। निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी कौन कौन सी है? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी होता है बच्चों जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो एंजियोग्राफी होती है उसकी। कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI, सोनोग्राफी आदि। इन सब का प्रयोग निदान मूलक और उपचार मूलक तकनीकी के
रूप में किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा, क्या टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श। टेली चिकित्सा में क्या होता है बच्चों की 5-6 घंटे के अंतर्गत ही पूरे विश्व में किसी भी चिकित्सा से चिकित्सक से हम परामर्श ले सकते हैं। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर से परामर्श लेकर रोगी का उपचार चेकअप कर सकते हैं। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण मतलब कि अगर किसी का कोई अंग खराब हो गया है तो वो निकालकर दूसरा अंग लगा देने को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस होता है बच्चों किसी का खून में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई खराबी आ गई है तो उसके उसका जो ब्लड का है वो डायलाइस हो जाता है, बाहर डायलाइस होता है। प्रोस्थेसिस आदि जो है नवीनतम उपलब्धियां हैं। और एक जीका विषाणु हुआ था जिसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन मीन्स टीका, जो वैक्सीन है जीका बैक नाम की, वो भारत ने बना ली है। इसके बाद है 6 कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी है। और इसी के द्वारा हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, इन सबको क्रांतियों को रखा गया है जिससे कि हमारे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। अभिनव कृषि के अंतर्गत, अभिनव कृषि माने बहुत अच्छी कृषि के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हुआ है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग भी हो रहा है जिससे कि बिजली की बचत होती है क्योंकि हम सूर्य से ही ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। वहां और जहां जल की उपलब्धता का अभाव है, मतलब जहां जल की बहुत कमी है वहां क्या हो रहा है, वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है 7 परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ है बच्चों, परिवहन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ है, पहले क्या था उससे पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, लेकिन अभी क्या है, रेल का निर्माण हो गया है, सड़क है, जल और वायु परिवहन है, इन सब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचने में पहले बहुत दिन लगा करते थे। और परिवहन के क्षेत्र में जो नवीनतम तकनीकी आई है वो क्या क्या आई है, नवीनतम माने आधुनिक तकनीकी जो आई है, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल आदि जो है वो नवीनतम तकनीकी आई है। इसके अलावा प्रदूषण से बचाने के लिए, ये सब तो प्रदूषण जो होते हैं आजकल की इसमें पेट्रोल डलता है प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियां जो नेचुरल गैस होती है, सीएनजी हमारी नेचुरल गैस भी है, इन गाड़ियों का प्रयोग होने लगा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन सोचो, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स आप, इसके बाद आता है आपका विनिर्माण के क्षेत्र में। अब ये विनिर्माण क्या होता है, ये तो पहली बार आपने शायद ये टर्म सुनी होगी। तो विनिर्माण क्या है, विनिर्माण होता है बच्चों कोई भी अगर वस्तु है, वी मीन्स वस्तु, कोई भी अगर वस्तु है वो बन रही है तो पहले उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। मतलब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बदल दिया और वस्तु का निर्माण कर दिया, तो इसी को कहते हैं विनिर्माण या वस्तु निर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक का बहुत ही मानवीय गतिविधियों विधियां आती है। हस्तकला जो होती है, जो हाथ की कला होती है, उसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। लेकिन क्या, ये जो प्रयोग होता है ये औद्योगिक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन होता है तो बड़े पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जो माल है वो किसने उपयोग किया, उपभोक्ताओं ने, तो ये होता है विनिर्माण।
इसे इस रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। नवा टॉपिक है उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक। तो पहले जो हमारे देश में जो थे उद्योग धंधे बहुत कम थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा जो देश है वो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है और वर्तमान समय में बहुत सारे उद्योग हैं जो हमारे देश में होते हैं, जो कि खनन उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला, पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न, चीनी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं जो हमारे देश में होते हैं। बच्चों अब आप देखते हैं कारखाने जो है ONGC का आपने नाम सुना होगा, ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मेक इन इंडिया की योजना के अंतर्गत आई हैं। अभी मेक इन इंडिया योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो विदेशी हैं, विदेशी जो निवेशक हैं, मतलब जो विदेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको मौका दिया गया कि वो हमारे देश में आके अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मतलब क्या हुआ कि पैसा तो उनका होगा, बाहर के लोग होंगे, लेकिन बनेगा वो इंडिया में। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स पे, विदेशी प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है मेक इन इंडिया। वो मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बने हैं, लेकिन पैसा किसका लगा है उसमें, दूसरे लोगों का, बाहर के देश के लोगों का। तो ये हमारी इसमें हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वो हमारे देश में बन रहा है तो हमारे देश में खर्च होगा, तो उसमें हमारे को प्रॉफिट मिलता है। 10वां पॉइंट है ऊर्जा के क्षेत्र में। अब ऊर्जा क्या है, कोई भी कार्य करने की ताकत होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा स्रोत, स्रोत मींस कि हमें ऊर्जा किससे मिल रही है, किस तरह जो हमारा सोर्स है कहां से वो ऊर्जा मिल रही है उसको हम बोलेंगे ऊर्जा स्रोत। तो पहले क्या था, कोयला यूज करते थे ऊर्जा के लिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग अब हम किए कर रहे हैं। बच्चों ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ये नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय वो स्रोत हैं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अगर वो खत्म हो गए हैं तो उन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, वो है नवीकरणीय स्रोत। और अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं कि अगर वो खत्म हो गए हैं एक बार तो वो दोबारा नहीं बन सकते। अब ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो दोबारा नहीं बन सकते, बहुत सारे हैं जो हम आजकल मोस्टली यूज करते हैं वो सारे अनवीकरणीय होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब अनवीकरणीय स्रोत। देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय देख लेते हैं पहले, जो हम मोस्टली यूज करते हैं पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, रसोई गैस जो हम LPG यूज करते हैं, वो सब अनवीकरणीय है कि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में फिर लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा और हम इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे। और नवीकरणीय स्रोत सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव, पवन, ये सब ऐसे ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, वन, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बना लो उसको, तो ये सब है नवीकरणीय स्रोत। इसके बाद आता है बच्चों व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार क्या है, आपने व्यापार तो सुना होगा। अब देखिए व्यापार का अर्थ बहुत, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, और वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। व्यापार तो है क्रय विक्रय, उसमें धन का प्राप्ति का उद्देश्य कहीं नहीं आता है, लेकिन जो वाणिज्य है वो है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। और क्रय विक्रय होता क्या है, क्रय मतलब किसी चीज को खरीदना और विक्रय मतलब किसी चीज को बेचना, तो ये है व्यापार। आरंभ में क्या था, आप शुरुआत में मतलब कि पहले जो कैसे करते थे व्यापार, कि वस्तु के बदले वस्तु देते थे, कि मतलब पहले एक सामान लिया दूसरा सामान दे दिया, फिर क्या हुआ वस्तुओं के बदले धातु देने लग गए, अब क्या है वस्तुओं के बदले मुद्रा देते हैं, मुद्रा मतलब पैसा, रुपया देते हैं। और अभी क्या चल रहा है आधुनिक युग में, बिल्कुल क्या चलता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है बच्चे एक छोटा सा ऐसे ATM कार्ड होता है, ऐसा ही क्रेडिट कार्ड होता है। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है क्रेडिट कार्ड मशीन है, ये क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे स्वाइप करो इसको, इस मशीन में लगाओ और ये अपने आप ही इसमें जो बैलेंस होता है ऑनलाइन बैलेंस उसमें से ये कट कर लेता है, यहाँ पे हमें इसका पिन एंटर करना होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सी आपने कंपनी के नाम सुने होंगे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। इन पे सामान होते हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भी। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस होता है कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, मतलब सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं जो कि आम नागरिकों के लिए, उनको नहीं पता होता है कि आम नागरिकों की क्या हमें सुविधाएं मिल रही हैं। तो आजकल सबके
सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो उनको पता करवाना इंटरनेट के माध्यम से कि हाँ सरकार आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है। इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, मतलब जो सरकार की सूचनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सब जो है इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके अलावा कोई भी चीज है, कोई भी सूचना है, आप सब ऑनलाइन कर सकते हैं। विद्यालय में दाखिला लेना है, बिल भरना है, आय जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कुछ भी है, ये सब जो है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है? एक तरह से ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया का कहा जा रहा है। डिजिटल इंडिया का शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन, मतलब सबको ऑनलाइन इंटरनेट पर डालना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब इसको आपको लिखने में या उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और जल्दी हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय। काफी माँ, कॉफी 3 दिन के बाद मिलेगी। क्यों? पेपर पड़ा। चाय कॉफी खरीदने के लिए स्पेशल सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है, हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स, बिग बास्केट। नाश्ता तो मिलेगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सकुशल होंगे। बच्चों, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एक साथ बनाई है, जो कि पहले अलग अलग थी, लेकिन अभी इनको सबको समराइज करके एक ही वीडियो में डाल दिया गया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। अभी जो हम आज ले रहे हैं वो है चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कवर करवाएंगे और आने वाले समय में आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कंटिन्यू योर स्टडी। प्रश्न है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आधुनिक संचार का माध्यम है, आधुनिक संचार का माध्यम है बच्चों इंटरनेट, क्योंकि पत्र और कबूतर पहले यूज होते थे लेकिन अब यूज नहीं होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT का आरंभ हुआ है, कौन से वर्ष में हुआ है बच्चों? 2004 में। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, ऊर्जा के नवीकरण, नवीकरण मीन्स जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं वो होता है नवीकरण। तो पेट्रोल हम दोबारा नहीं बना सकते, डीजल नहीं बना सकते, LPG नहीं बना सकते, हम केवल सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरण स्रोत है। चलिए रिक्त स्थान, सेकेंड क्वेश्चन। व्यापार का अर्थ है, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। सेकेंड, परिवहन के नवीन साधन हैं, कौन कौन से हैं? ई रिक्शा, मेट्रो ट्रेन और वायुयान परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं ये? इन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनियां। ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ था, कब हुआ था? दिसंबर 2004 में। 3G और 4G के साधन है, किसके साधन है? ई संचार। बच्चों 3G फोन और 4G फोन होते हैं, नेट होता है, तो इसको हम किस चीज में यूज करते हैं? संचार में, मतलब अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आती है मैचिंग, जोड़े मिलाने बनाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका है, क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? संचार का साधन। ICT शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में, कृषि में जो है उसको हम हरित क्रांति कहते हैं और जो उर्वरक में है वो है भूरी क्रांति। चलिए वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1962 में।
प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र, आकाश मिसाइल आदि। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? कोयला, पेट्रोलियम आदि। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? ये है ई कॉमर्स तकनीकी। NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये भूतापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था नवंबर 19